नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा के सदस्यों के सवालों का जवाब देने पहुंचे। इस दौरान उनकी विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जहां सबसे पहले तो उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालातों पर आंकड़े जारी किए, उसके बाद फिर NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। शाह ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन इन सारे धर्मों के शरणार्थियों को बिल के अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी। शाह के ऐलान के बाद विपक्षी सांसद तिलमिला गए और हल्ला शुरू कर दिया। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। तुम्हें राज्यसभा में शाह के इस बयान के बाद देश की राजनीति में खलबली मच गई है। NRC पर शाह के ऐलान से सबसे ज्यादा तो मिर्ची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी है, जिसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि NRC को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी बंगाल में रहने वाले किसी भी शख्स की नागरिकता नहीं छीन सकता है, हम हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर नहीं बांटते हैं। खैर, इस बात को पूरा देश जानता है कि ममता दीदी ने हिंदुओं के हित के लिए आज तक कितने फैसले लिए हैं और हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। जहां रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को यात्रा निकालना मुश्किल पड़ता हो और जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ आते हैं तो ममता दीदी मुहर्रम को ही प्राथमिकता देती हैं। अब ममता कैसे हिंदू मुसलमानों की समानता की बात कह रही हैं, शायद वही जाने। तो वही NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर राजनीतिकारों का मानना है कि ममता इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो शायद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि ममता पर शुरू से ही आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती रही है। खैर, ममता बनर्जी को जिस तरह से NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर मिर्ची लगी है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।